किचन में बनाने जा रही हूँ अंडे की भुजिया। इट्स नॉट भुर्जी, इट्स लाइक कि जैसे हम आलू की भुजिया बनाते हैं कट करके, वैसे ही हम बॉयल्ड एग को कट करके भुजिया बनाएंगे। तो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप सबके सामने हैं। हमें चाहिए वन स्लाइस अनियन, वन टमाटो चॉप्ड, थोड़ी सी ग्रीन पी और 4 बॉयल्ड एग, थोड़ा सा धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, रेड चिली पाउडर, जीरा, थोड़ी हींग चाहिए हमें, एंड हम मस्टर्ड ऑयल के साथ में इसे कुक करेंगे। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें पहला स्टेप ये करना है कि हमें इस एग बॉयल्ड एग को कट करना है। तो चलिए पहले इसे कट करते हैं पीसेस में। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसे चॉप कर लिया है। देखिए, जैसे हम पोटैटो को कट करते हैं पीसेस में, मैंने वैसे ही इसे कट किया है। तो इसे आप ऐसे भी कट कर सकते हैं, एंड आपको जैसे शेप देना हो वैसे कट कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक का फ्रेश पेस्ट बनाया है। तो ये भी आप यूज़ करिए, अगर आप जिंजर नहीं खाते हैं तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ऑयल गर्म हो गया है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे ज़ीरा, थोड़ी सी हींग। अब हम यहाँ पर स्लाइस अनियन ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके पिंक होने तक में पकाएंगे। फ्रेंड्स, इस अनियन को ट्रांसपेरेंट होने तक में अच्छे से भूख पकाइए आप इसे। उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। फ्रेंड, इस अनियन के साथ साथ में जिंजर गार्लिक के पेस्ट को भी पका लीजिए। तो इसे मैंने यहाँ पे ऐड किया है, इसे मिक्स करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अनियन हो चुका है। तो चलिए इसमें ऐड करते हैं ये टमाटो, इसको भी 5 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे। नाउ ऐड हल्दी 1/2 स्पून, रेड चिली पाउडर 1 स्पून, बिकॉज मैंने कोई ग्रीन चिली वगैरह नहीं ऐड करी है, धनिया पाउडर 1/2 स्पून, सॉल्ट एज पर यू टेस्ट। इन सबको अब हमें अच्छे से भूनना है, मसालों को भी। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी मटर। तो चलिए भूनते हैं। फ्रेंड्स, ये मसालों ने ऑयल छोड़ दिया है। नाउ ऐड दिस, ये फ्रोजन मटर है इसलिए मैं इसे लास्ट में डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट भूनेंगे, उसके बाद हम जो हमारे एग हैं पीसेस में कट उन्हें ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे एग ऐड करते हैं। चलिए एग को ऐड करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ मैंने एग को डाल दिया है, अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। मैंने इसे यहाँ पे मिक्स कर दिया है, अब इसे 2 to 4 मिनट तक पकाएंगे ढक के। उसके बाद मैं इसे आपको सर्व करूँगी। सर्व करने से पहले इसमें काले मिर्च को फ्रेशली कूट के स्प्रिंकल करूँगी। आप इसे आराम से पराठे, रोटी किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स मेंशन होते हैं क्वांटिटी के साथ में। तो चलिए इसे थोड़ा पकने देते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे ये काले मिर्च का पाउडर 1/2 टेबल स्पून, इसे स्प्रिंकल करेंगे, उसके अंदर से मिक्स करेंगे, फिर आपको सर्व करेंगे। अगर आप गर्म मसाला खाते हैं तो आप वो भी स्प्रिंकल कर सकते हैं यहाँ पर, मैंने नहीं किया है क्योंकि मुझे ये ऐसे ही पसंद है। तो चलिए आपको सर्व करते हैं। तो फ्रेंड, आप ये अंडा भुजिया एंजॉय करिए। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चटोई टीनू को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको थोड़ी भी कमी महसूस हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट और फीडबैक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी, एंड बाय बाय।